कि हम इंतखाबात में हिस्सा क्यों लेते हैं। मेरा मानना यह है कि भारत की जमहूरियत में, भारत के लोकतंत्र में जिस किसी समाज का सियासी उनका नुमाइंदा होगा वो समाज तरक्की करता है क्योंकि उनसे इंसाफ होता है। आज आप देखते हैं कि भारत की लोकसभा है और भारत की लोकसभा में जहां पर हर समुदाय को उनकी नुमाइंदगी का हक मिलता है, हमारे मुल्क के बुजुर्गों ने जब इस मुल्क के संविधान को, आईन को बनाया तो उन्होंने ये ख्वाब देखा था कि इस मुल्क में जमहूरियत रहेगी मगर शराकत दारी की जमहूरियत रहेगी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। मगर आज अगर आप देखते हैं भारत की लोकसभा में, तो अगर सबसे कम किसी समुदाय की नुमाइंदगी है भारत की पार्लियामेंट में तो वो अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम अकलियत की है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि गुजरात में आखिरी मर्तबा अगर एक मुस्लिम अकलियत का फर्द पार्लियामेंट को गया था तो 1984 में गया था। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 37-38 साल का अरसा हो चुका है। जब तक आप मुत्तहिद होकर अपनी एक आवाज को, चाहे असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, जिला पंचायत हो, आप उनको नहीं भिजाएंगे, आपकी तकलीफ, आपकी नाइंसाफी का खात्मा नहीं।